उत्तर पूर्वी दिल्ली के दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल जीटीबी अस्पताल में वार्ड में हुए मर्डर का पुलिस ने फिलहाल खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं इस मुद्दे को लेकर जीटीबी अस्पताल के डॉक्टरों ने हड़ताल भी कर रखी है और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान भी उठा रहे हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जीटीबी अस्पताल के डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीटीबी अस्पताल के सीनियर डॉक्टरों ने मेडिकल सुपरिंटेंडेंस पर सवाल उठाए और जीटीबी अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कड़े से कड़े नियम उठाने की मांग भी की गई। क्या कुछ कहना था हड़ताल कर रहे डॉक्टरों का, देखिए रिपोर्ट। मैं डॉक्टर अजय लिखी, पास्ट प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, पास्ट प्रेसिडेंट IMA ईस्ट दिल्ली ब्रांच। ये जो कल हादसा हुआ है और इससे पहले 9 तारीख को भी एक हादसा हुआ, इसी अस्पताल में हादसा हुआ और हम सब यहाँ आए, डेढ़ दिन की हड़ताल जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने करी। ये हादसा पहले भी इस अस्पताल में होता गया है और ये टोटली, मेरा ये कहना है कि इस प्रशासन का, इस हेल्थ मिनिस्ट्री का, इस पुलिस का पूरा ही टोटल फेलियर कहना चाहूँगा। और इस डर के अंदर, इस भय के अंदर ये डॉक्टर्स और ये नर्सेस और ये फीमेल डॉक्टर्स किस तरीके से कार्य करेंगे मैं सोच नहीं सकता। हमारे बच्चे भी डॉक्टर हैं और अगर ये माहौल रहेगा तो कोई भी इस प्रोफेशन में आना नहीं चाहेगा। और इस अस्पताल में नौकरी तो क्या करना, कोई मरीज लेके भी नहीं आएगा। जिस तरीके से कल किसी मरीज के साथ गोली मार दी गई और जूनियर डॉक्टर जो ड्रेसिंग कर रहा था उसका, उसको पकड़ के अलग किया गया और उसको, मरीज को गोली मार दी गई। ये दहशत डॉक्टर में तो है ही है। आज उसका डॉक्टर आज घर से बाहर नहीं निकली, तो वो डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं आई। आप बात कर रहे हैं स्ट्राइक की, जो डॉक्टर के साथ ये हादसा हुआ उसके मेंटल स्टेटस क्या होगा, वो क्या आज इस देश में सेवा कर सकेगी? ये तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी अपने डर को निकाल पाएगी। अगर इस तरीके के हादसे होते रहेंगे तो कौन काम करेगा? तो मेरा यही कहना है, इस प्रशासन को बदलना पड़ेगा, इस कार्य को बदलना पड़ेगा और इस पुलिस प्रशासन को सख्त से सख्त करना पड़ेगा। इस तरीके हादसे करने वाले लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी पड़ेगी कि एक एक बार एक एग्जाम्पल सेटल होगी मार्केट के अंदर। और गवर्नमेंट को, मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुरोध है कि सेंट्रल वायलेंस लॉ जरूर बनाए, जल्द से जल्द बनाए कि इस तरीके के हादसे ना हो पाए और देश का स्वास्थ्य भी ठीक रहे और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे। जीटीबी हॉस्पिटल की सिक्योरिटी के लिए दसियों बार इस तरीके की बात हो चुकी है। आज मुझे ये पता चला है कि एक ही एजेंसी जो कि 50 साल से लेके और 65 साल के बुजुर्ग गार्ड को रखे हुए, आप जाके देखो 20 गार्ड खड़े थे, 20 गार्ड ने एक बंदे को हटाना मुश्किल हो गया। अगर इस तरीके के गार्ड की भर्ती होगी तो ये वाकई, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी गलती है। कहीं ना कहीं ईडी तो सब जगह भेजी जा रही है, यहाँ क्यों नहीं ईडी भेजी जाती है? भेजनी चाहिए, यहाँ पे भी इंक्वायरी करनी चाहिए, इंटेलिजेंस CBI को लगाना चाहिए। क्यों नहीं पता लगता यहाँ पे? LG साहब क्यों नहीं संज्ञान लेते? एक जगह डॉक्टर के नर्सिंग होम में आग लगती है तो वहां तो आप 50 पुलिस वाले भेज देते हो, वहां पे डॉक्टर को जेल भेज देते हो। यहाँ क्या हुआ? यहाँ क्यों नहीं MSA कहा गया? आज वो मरीज मरा है तो क्यों नहीं सख्ती से काम हो रहा? मेरा यही कहना है कि सख्ती होनी चाहिए। इस हॉस्पिटल में जो भी गरीब आदमी आता है, वो सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठाता है कि हमें अंदर नहीं जाने देते हैं, हमें तो तरीके से तरह तरह से उनको परेशान किया जाता है, परंतु आज सिक्योरिटी देखी गई है तो बिल्कुल नस्मत तक नजर आई है। आज नस्मस्तक, क्योंकि आज किस्सा हुआ है तो नस्मस्तक हो गए, कल आप आएंगे परसों आएंगे तो ये नस्मस्तक नहीं होगी। यही तो वो सिक्योरिटी वाला करता आ रहा है कि आपके सामने, सबके सामने ये दिखा देता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस हादसे के बाद जब कार्य सुचारू रूप हो जाए तब आप जाके देखिए ना, तब आप रिपोर्ट करिए। मैं डॉक्टर दीपा गुप्ता हूँ, IMA इस दिल्ली ब्रांच की पूर्व सचिव और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी।
और यहाँ हम लोग IMA और DMA को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं और बेसिकली यहाँ पे जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी सपोर्ट के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था। देखिए बड़ा बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ है जो अभी 9 तारीख को भी हुआ है। यहाँ पे फीमेल डॉक्टर्स सुबह 5 बजे एक मरीज की डिलीवरी करती हैं और एक कंडीशन होती है PPH, मतलब वो पेशेंट डिलीवरी के बाद अचानक सिवियर ब्लीडिंग में चली जाती है। तो डॉक्टर का काम तो उसको बचाना है ही, वो तो पूरी कोशिश कर ही रहे हैं उसको बचाने की, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस था कि आधे घंटे में ही वो मरीज एक्सपायर हो गई है। तो वो डॉक्टर उसको CPR दे रहे हैं और कुछ अचानक अटेंडेंट्स आ जाते हैं जिनके पास शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं और वो आके उस डॉक्टर को धमकाते हैं कि आप इसका CPR ना करो, है ना, और आप इसको छोड़ दो और आप यहाँ से हम आपको मार डालेंगे। तो ये क्या बात हुई, एक डॉक्टर क्या अस्पताल में मार खाने के लिए काम कर रहा है? उसका काम है सेवा करना, ठीक है, ये तो उम्र में भी अभी बड़े छोटे हैं लोग, तो इन बच्चों ने अभी तो ये देखना है और वो आज इस उम्र में अगर उनके साथ ये इंसिडेंस हो रहा है इतनी छोटी उम्र में, 25-30 साल की उम्र में ये काम हो रहा है, तो वो आगे कैसे वो हिम्मत कर पाएंगे कि हमें मरीज का इलाज करना है? कोई इस डर से अगर इलाज कोई करेगा कि मुझे कुछ हो जाएगा तो क्या कोई मरीज मर नहीं सकता अस्पताल आएगा तो? अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस, लेकिन मर तो सकता है ना, पर डॉक्टर तो उसको बचाएगा ही ना, डॉक्टर तो नहीं मारेगा। तो आप उस डॉक्टर को कैसे धमका सकते हो, आप कैसे मार सकते हो? आप सोचिए, वो डॉक्टर एक कमरे में जाके बंद हो गए, दरवाजा तोड़ा गया, दरवाजा उस डॉक्टर पे गिरा, तो ये कहाँ का चीज हुई? और ऐसे इंसिडेंट कल हुआ कि खुले आम दिन के वक्त 4 बजे के करीब कोई आ जाता है, 4th फ्लोर पे आ गया, लिफ्ट से आ गया, उसके हाथ में गन है, कोई देख नहीं रहा था इस बात को, ये क्या गुंडागर्दी है? और आके आपने डॉक्टर को धक्का दिया, नर्सिंग स्टाफ को धक्का दिया और आपने उस आदमी को शूट कर दिया। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप ऐसे कर ही नहीं सकते। अभी तक प्रशासन ने क्या सुविधाएं पिछली बार दिया था उन्होंने, इसलिए स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दी गई थी कि हम यहाँ पे सिक्योरिटी देंगे, हम बाउंसर्स देंगे और जल्दी से जल्दी कल्प्रिट्स को पकड़ा जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ है। और आप सोचिए उन बच्चों का जो यहाँ पे आज ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो यहाँ सारे दिन काम करते हैं, 48 आवर्स तक काम करते हैं लगातार, वो डॉक्टर मतलब बार बार के स्ट्राइक पे जाएंगे क्यों? वो स्ट्राइक करने थोड़ी ना आए हैं यहाँ पे, उनका तो काम ही सेवा करना है। और आप उनसे ये मतलब जो अथॉरिटीज हैं, जो प्रशासन है, उसमें डॉक्टर्स भी होंगे, ठीक है, तो हर तरह के उनको देखना बहुत जरूरी है कि किस तरह से आप यहाँ डॉक्टर्स को बेसिक या फंडामेंटल राइट है, अपना फंडामेंटल राइट है ना सिक्योरिटी लेना। भाई मैं डर के काम कैसे करूंगी? अगर मुझसे आप काम अच्छा करूं तो मुझे वो सुविधाएं तो दीजिए, मुझे वो आश्वासन तो दीजिए कि आप काम करो, कुछ नहीं होगा आपको, तो मेरी सिक्योरिटी कहाँ है? मेरी सिक्योरिटी मांगना तो मेरा हक बनता है। तो हमारा IMA और DMA हर तरह से इन बच्चों के सपोर्ट में है और जो हमसे बन पाएगा हम डेफिनेटली करेंगे। मैं डॉक्टर राधा जैन IMA इंजरी ब्रांच की प्रेसिडेंट हूँ। मैडम क्या करें, चिंता चल जाती है? ये बहुत ही खतरनाक मामला है, इससे हमारे मरीज, उसके परिजन, साथ में जो वहाँ काम करने वाली सिस्टर, जो स्टाफ और हमारे डॉक्टर्स सभी डरे हुए हैं। और उस जब ये घटना हुई है उस समय एक डॉक्टर हमारी जो है वहाँ पर वो ड्रेसिंग कर रही थी और ड्रेसिंग करते उसको घसीट के अलग कर दिया गया और उसके बाद उसको मर्डर किया गया। तो ये बहुत ही खतरनाक घटना है, इससे हमारे यहाँ के लोग सब डरे हुए हैं। ऐसी कंडीशन में आप ये बताइए कि हम लोग कैसे मरीजों की सेवा करेंगे, तो बहुत ही मुश्किल हो गया। और ये सोचिए ना कि ये जो बच्चे रेजिडेंट डॉक्टर जो थे वो नीट का एग्जाम क्लियर करके आए हैं अभी, और वो पढ़ने के लिए आए और सीखने के लिए यहाँ आए हैं, और उनके पेरेंट्स की क्या पोजीशन होगी जिनके बच्चे यहाँ पर सीखने के लिए आए और वो इतने खतरनाक जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ कभी भी दिन दहाड़े मर्डर हो जाता। हॉस्पिटल जो है सेफेस्ट प्लेस माना जाता है, आई थिंक इससे आज सेफेस्ट प्लेस कहीं नहीं माना जाता है दुनिया का, आप हॉस्पिटल या मंदिर को कहते हैं कि सबसे सेफेस्ट है, और आज वही इतना ज्यादा उसमें है। तो ये तो फेलियर हो गया ना, सारा आपका सिस्टम फेलियर हो गया, आपकी पुलिस काम नहीं कर रही है सही से, हमारे जो स्टाफ जो वहाँ पर जो गार्ड है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, और प्रॉपर प्रोविजन नहीं है जिसमें कि पेशेंट कोई भी एंट्री कर जाता है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस कि कोई भी एंट्री कर जाता है और कोई देखने वाला नहीं है, प्रॉपर गार्ड होना चाहिए और साथ में बैरिकेड सिस्टम होना चाहिए एंट्री के टाइम पे वो जो, और हाँ CCTV भी नहीं है वहाँ पर। सबसे इम्पोर्टेंट है आजकल हर छोटी छोटी जगह में रोड्स में CCTV लग गए हैं, हॉस्पिटल में नहीं है,
कैसी मजाक की बात है भाई, आप सीसीटीवी तो लगाओ कम से कम, ये तो पता चले कि कौन कल्प्रिट है, कहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है। एटलीस्ट आप वार्ड ऐसी जगह नहीं लगा सकते जहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है या कुछ ऐसी है, लेकिन कॉमन वार्ड्स में या ऐसी जगह पर तो लगा सकते हैं, एंट्रेंस में वहां पर तो आप सीसीटीवी लगा सकते हो, सीसीटीवी क्यों नहीं है? तो ये सब चीजें मतलब आपका सिस्टम फेलर है पूरा ही, ना तो सीसीटीवी है वहां पर, ना वहां पर प्रॉपर गार्ड्स है, जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है वहां पर, बैरिकेड होना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए जिसमें पेशेंट के रिलेटिव अंदर आ सके, या एक पेशेंट के साथ कितने रिलेटिव होना चाहिए, एक प्रॉपर कानून होना चाहिए उसका, एक पास सिस्टम होना चाहिए कि हाँ अगर कोई भी रिलेटिव आएगा इस पेशेंट के साथ एक, तो वो एक पास से दो लोग आ सकते हैं या एक लोग आ सकते हैं, तो ये सब सिस्टम अगर होंगे तो इतना इशू नहीं होगा। नहीं डॉक्टर स्ट्राइक पे मतलब है, लेकिन हमारे यहाँ जो सीनियर डॉक्टर है वो उनकी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मरीज कोई परेशान नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है सिक्योरिटी और लेकर के तरह तरह की कमियां हम नजर आ रही है, हम लेके बात करें क्या ये सीसीटीवी कैमरे देखो, ये तो यही था ना कि जो मैनेजमेंट है ये इसका मिस्टेक है ना कि सीसीटीवी नहीं है, और अभी 4 दिन पहले घटना हुई है उसके बाद भी पुलिस भी अलर्ट नहीं हुई है, यहाँ का स्टाफ मतलब जो मैनेजमेंट है वो अलर्ट नहीं हुआ, तो ये तो मैनेजमेंट की कमी है ना, और उसमें वही ना कि उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है उन लोगों को फर्क पड़ता है ना, वो काम कर रहे होते हैं। ये जो सिस्टम चल रहा है आप ये समझिए, जो हॉस्पिटल चल रहे हैं 70% जो है ये जूनियर डॉक्टर्स ही इसमें काम कर रहे होते हैं, सारा मैं उन्हीं को करना होता, सीनियर उनको गाइड करके सारा काम हो गया, तो सारे जो नीव है वो तो यही है जूनियर डॉक्टर्स है, और खतरे में तो वही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।